ओके डियर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पर्सन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री विच इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन देने का तरीका है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करो उसकी 30 डिग्री ईस्ट में। और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 3 सेकेंड तक चलता है, उसके बाद वो 120 डिग्री का राइट टर्न लेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा, 3 सेकेंड तक चलेगा और आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हाउ वी विल डू दैट, ओके, तो लेट अस सी। सबसे पहले मुझे यहां पर ग्राफ बना लेना चाहिए, ओके, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन को मैं शो करता हूं। लेट अस से दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, देखो, ठीक है, और ये आपका ईस्ट है। तो यहां पर समझने की कोशिश करो, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उसका क्या अर्थ है, ये रहा ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पर जाना पड़ेगा। इसको याद रखना बच्चे, कई बार बच्चे इसी बात की गलती करते हैं। अब ये 30 डिग्री आ गया, अब ये इसकी डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था, लेकिन यहां पर उसने 120 डिग्री का चेंज किया। तो 120 डिग्री अब मुझे यहां पर एंगल शो करना पड़ेगा, तो 120 डिग्री एंगल कैसे शो होगा, आप ये सोच के कोशिश करो। ये 60 हो जाएगा, ये 30 डिग्री, तो ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये दिया है 120, तो 60 डिग्री तो ये हो गया, और इसके बाद 60 डिग्री और, तो मतलब यहां पे 30 डिग्री शेष बचेगा, तो यहां पर नियर बाय कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये हो गया फर्दर 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल फिर से 30 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री पर ही मूव किया, और इसकी दोनों के केसेस में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही थी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी सेम इन बोथ ऑफ द केसेस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम होंगी, और आप देख सकते हैं 120 डिग्री अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे पास बन गया और वो एक्स एक्सिस पर ही पहुँच गया, तो वट इज दिस डिस्टेंस, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड द टाइम टेकन विल बी 3 सेकेंड यहाँ पर, 3 सेकेंड यहाँ पर, टोटल 6 सेकेंड, तो वट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये फाइंड करना है, ओके, 10 मीटर पर सेकेंड और 3 सेकेंड के लिए गया तो 30 मीटर, तो डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस हो गया 30 मीटर्स, ये वाला भी 30 मीटर्स, ये वाला डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, और क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये वाला बन गया 60 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी 60 है, ये भी 60, तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ए बी का डिस्टेंस 30 मीटर है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 30 मीटर द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम व्हिच इज 5 मीटर पर सेकंड, और 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट आएगा, तो 5 मीटर वाले एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो आपको पता चल गया कि आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो बच्चे इसके साथ मुझे लगता है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछिए, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑल द बेस्ट।